गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों मेरा नाम है पंकज बुद्धि राजा और मैं आज फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं कुछ मजेदार बातें लेके बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र से रिलेटेड। तो दोस्तों आजकल हम बात कर रहे थे एनपीएस सिस्टम की, तो आप में से काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जब एनपीएस के फाइनल टाइम आता है, जब आदमी 60 साल की उम्र पर पहुंच जाता है, रिटायरमेंट एज आती है, तो उसको पैसा कैसे मिलता है। तो दोस्तों आपका जितना जुड़ा हुआ पैसा है आप उसका 60% तक पैसा जो है वो टैक्स फ्री ले सकते हैं। पहले इसमें से कुछ पैसे पे 20% पे टैक्स लगता था, अब नहीं लगता। अब ये पूरा 60% जो है ये टैक्स फ्री है। बाकी जो 40% रहता है उससे आपको पेंशन मिलती है। तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि जो पेंशन मिलती है ये कौन देता है, क्या ये एनपीएस का सिस्टम है या एनपीएस में कौन है जो ये पेंशन आपको देता है। तो दोस्तों ये पेंशन आपको देती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। एनपीएस सिस्टम में कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि एम्पैनल्ड है, जैसे LIC है या HDFC लाइफ इंश्योरेंस है या SBI लाइफ इंश्योरेंस है या ICICI लाइफ इंश्योरेंस है। इस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज एम्पैनल्ड है एनपीएस सिस्टम में। तो जब आपको पैसा मिलता है इसका 60% आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं अपने लिए और 40% पैसा जो है वो आपका जाता है इन इंश्योरेंस कंपनीज के पास, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनीज आपको पेंशन देती है। तो एक्चुअल में जो आपको पेंशन आती है वो एनपीएस सिस्टम से नहीं आती, वो इनको इन इंश्योरेंस कंपनी से आती हैं, जिनको हम टेक्निकल भाषा में एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं। तो ये था आज का ज्ञान, कल मिलेंगे दोस्तों कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जुड़ते रहिए हमारे साथ और जानते रहिए नई नई जानकारियां बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी। थैंक यू फ्रेंड्स।